देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट 81² 281 एंड 82² 281 टूटी, ठीक है। 82² 282 कहने का मतलब है कि हमको इस पॉइंट पे ये पॉइंट देखिए ये P है एंड Q है, ठीक है। P एंड Q जो पॉइंट है P पर T1 है, T1 क्या है, T1 जो है हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट्स है और T2 भी पैरामेट्रिक पॉइंट्स है, ठीक है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड, देखिए हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इस टी का, ठीक है। ये टेंजेंट रहा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, यानी टी क्यू एंड टी पी जो टेंजेंट है और टी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला π² 4ax इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है। देखिए पहले वो बातें लिखनी होती है जो इस फिगर में दिख रही है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y² = 4ax इसको 1 मान लिया। लेट पी एंड क्यू, पी क्या है, पी जो हमारा 81² 281 एंड क्यू क्या है 82² 2a t2, ठीक है। पी एंड क्यू बी द टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ठीक है। एंड जो लेट पी एंड क्यू बी द टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एंड टी बी द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट जो टी है वो क्या है, ये जो टी पॉइंट है वो क्या है, टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो टी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टेंजेंट किस पे, एट पी एंड क्यू, एट पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू, ठीक है। और ये करना है हमको इक्वेशन टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करना, पहले इस टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करेंगे बाद में इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
equation of the tangent at P is P मतलब at PT1, इसको PT1 मान लीजिए या कह सकते हैं क्या AT1 square कोमा 281, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए ये एक टेंजेंट या इसको एक लाइन भी कह सकते हैं, कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट से पास होता है, कहने का मतलब कोई अल्फा कोमा बीटा से कोई हमारा लाइन पास होता है, यानी स्ट्रेट लाइन, या उसको उसको टेंजेंट बोल सकते हैं या लाइन बोल सकते हैं या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पास होता है अल्फा कोमा बीटा से, तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, वाई माइनस बीटा इक्वल टू क्या, यहाँ पे स्लोप होता है एम एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप उस जिस पर हमें टेंजेंट निकालना होता है, जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना होता है, और स्लोप लाकर उस पॉइंट पे अब पुट कर देते हैं तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम वन डी ओ बाई डी एक्स पी 81 एस पर कमा 281, ठीक है। यहाँ जो होगा डिफ्रेंशिएट कितना लगा, इसका जो होगा 2a by y अब y होगा, तो y कितना है, ये x है, ये कितना y, जब 2a by y आएगा तो y कितना आ जाएगा 2a t1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a कैंसिल 1 upon t1, ठीक है, ये स्लोप आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x1 कितना, x कितना है, इसको अल्फा को मैं बीटा मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या x1 y1 मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तभी निकाल सकते हैं। तो y माइनस कितना हो जाएगा 2a t1 इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा, क्योंकि काटते नहीं है इसको रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, y1 माइनस y2 इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा 2a by 2a t1, ठीक है, 2a by 2a t1 स्लोप हो गया, x माइनस x1 कितना हो गया at1 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं y में किस में 281 माइनस, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा 4a² t1², ठीक है। t1² तो जाएगा तो ये कितना जाएगा 2ax माइनस 2a² t², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2ay हो जाएगा, 2ay t1 माइनस 4a² t1² इक्वल टू 2ax माइनस 2a² t1², ठीक है। इसको उधर खा जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a y t1 इक्वल टू, इधर आते क्या हो जाएगा 4a² t² प्लस 2ax - 2a² t1², ठीक है। देखिए और जो ये पॉइंट है इस टेंजेंट को लाई करता है, तो कहने का मतलब होता है, देखिए जो पी पॉइंट है वो पैराबोला पर लाई करता है, पैराबोला पर लाई करता है, तो पैराबोला का
इक्वेशन इक्वेशन में क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसको मान लेता हूँ क्या, दो सिंस पी टी वन लाई ऑन द पैराबोला, लाई ऑन द पैराबोला देन सेटिस्फाइड, देन सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड द इक्वेशन वन। तो क्या देगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 282 है, तो वाई वन स्क्वायर कितना जाएगा 282 का होल स्क्वायर, 4ax कितना जाएगा 4ax, सॉरी टू पहले किसके लिए निकाल रहा है टी वन के लिए, टी वन स्क्वायर 4a कितना जाएगा 81 स्क्वायर, यहाँ से कितना रहेगा 4a² t1² ये कितना रहेगा, इधर ला लेंगे तो माइनस 4a² t1² इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या जाएगा फ्रॉम टू से, फ्रॉम टू से क्या जाएगा 2ay t1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4a² t1² ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस 4a² प्लस t1² ठीक है। तो देखिए यहाँ से लाएंगे 4a² t1² यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस 2a² प्लस 2a², इसको लाने के लिए क्या करेंगे माइनस माइनस 4a² t1² ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस 2a² t1², तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे प्लस कर देंगे कितना से 2a² t1² t1² उसके बाद प्लस 2ax, ये तो पूरा जीरो, ये कितना आ जाएगा 2ay t1 इक्वल टू ये तो पूरा जीरो, तो कितना बचेगा इसमें से 2a, ले लेता हूँ तो कितना बचेगा इसमें 8t1² अब प्लस एक्स बचेगा, अब 2a से 2a कैंसिल, तो कितना जाएगा y t1 इक्वल टू एक्स प्लस 81² है टेंजेंट का इक्वेशन, किस पॉइंट पे ये PT1 पर ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं किस पॉइंट पे 82² 282 पर ठीक है, फाइंड कर सकते हैं ऐसा ही सेम टू सेम फाइंड करेंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या फाइंड करें सर पी पी पॉइंट 81² 281 तो यहाँ पर 82² 282 पर फाइंड करेंगे तो हमारा ऐसा ही कुछ निकलेगा। कि इसको मान लेता हूँ इक्वेशन क्या, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं ठीक है, 3 मान लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा सर ठीक है, अब क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट इस पे क्यू क्यू टी टू, टी टू क्या था हमारा ए टी टू
स्क्वायर कोमा टू ए टी टू इज क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये जो है पहले कितना वाई टी वन इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। तो उसी प्रकार सिमिलर किया जाएगा वाई टी टू इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्या चार इक्वेशन। अब क्या करेंगे, थ्री में से चार को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा टी वन टी टू, तो वाई तो बाहर निकल जाएगा। तो क्या जाएगा तीन में से चार घटा रहे हैं, तो इसमें से ये घटा देंगे टी वन माइनस टी टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पर सीधे ए कॉमन निकलेगा और इसमें से क्या हो जाएगा टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं वाई टी वन माइनस टी टू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है टी वन प्लस टी टू। ठीक है, टी वन प्लस टी टू इंटू टी वन माइनस टी टू, तो ये कैंसिल, तो वाई कितना आ गया ए टी वन प्लस टी वन प्लस टी टू। ठीक है, वाई कितना आ गया ए इंटू टी वन प्लस टी टू। ठीक है, चूँकि अब एक्स कैसे फाइंड होगा, यह रहा एक्स वाई का कोऑर्डिनेट। अब एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं या तीन तीन नंबर की वजह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से यहीं से फाइंड कर देते हैं फ्रॉम या थ्री से लिखना अच्छा रहेगा। पहले वो याद आ रहा था फ्रॉम थ्री क्या था वाई टी वन ऐसा था एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर था ना, कि इसको लिख सकता एक्स इक्वल टू वाई टी वन माइनस ए टी वन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से क्या आएगा एक्स इक्वल टू वाई, वाई क्या है हमारा इतना आ गया y a t1 plus t1 plus t2 t1 plus t2 y t1। ठीक है, ये रहा t1। अब माइनस कितना है a t1 square। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा x equal to a t1 plus सॉरी हमें टी वन से मल्टीप्लाई भी करना है, तो हो जाएगा ए प्लस टी वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी वन स्क्वायर प्लस टी वन टी टू टी वन टी टू। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया और माइनस क्या है ए टी वन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी वन टी टू माइनस ए टी वन स्क्वायर, ये है कैंसिल। तो x क्या आएगा ए टी वन टी टू ए टी वन टी टू। ठीक है, ये जो है हमारा आ गया कोऑर्डिनेट किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो लिख दिया हिंस द कोऑर्डिनेट्स किसका, टी का, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 81, कितना 81 इंटू टी टू कोमा ए इंटू टी वन प्लस टी टू। ये रहा एक्स का कोऑर्डिनेट, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट किसका, टी का, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट टी, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।